मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे केले के वड़े, जो बहुत ही टेस्टी है, साथ ही बहुत ही हेल्दी है और जिसे बनाना बहुत ही आसान है, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हो। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 कच्चे केले, तेल तलने के लिए लिया है, उसके बाद 1 उबला हुआ आलू, 3 केले 1 आलू, धनिया पत्ती हाफ स्पून, काली मिर्च 1 स्पून, जीरा 2 हरी मिर्च, तिल्ली, सेंधा नमक और ये सूखा नारियल, खिसा हुआ नारियल है। मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो हम लोग व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि मैं व्रत में भी खाए इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने केले को धो लिया है और उसके कॉर्नर काट के बीच में से मैंने उसके 2 पीस कर लिए। उसके बाद मैंने इसे कुकर में डाला है। कुकर में डाल के थोड़ा पानी डाल के इसे मैं 2 विजल आते तक पकने रख दूँगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 विजल आते तक। 2 विजल हो गया है, केला ठंडा भी हो गया। मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के मैं इसका छिलका उतार के मैं इन्हें खींच लूँगी। आप चाहो तो इसे हाथ से मैश भी कर सकते हो, बट खींचने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आलू केले दोनों को खींच ले रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से खींच ली है। अब मैंने इसे निकाल लिया है एक बाउल में। बाउल में निकाल के अब मैं इसमें डालूँगी बाकी की चीज़ें। सबसे पहले मैंने बारीक कटा धनिया पत्ती डाला है, उसके बाद बारीक कटी हरी मिर्च, उसके बाद कूटी काली मिर्च हाफ स्पून है, उसके बाद जीरा 1 स्पून। अब यह है सेंधा नमक। अगर आप उपवास में नहीं खा रहे हो तो आप नॉर्मल नमक भी खा सकते हो और डाल सकते हो। मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने सेंधा नमक डाला है। उसके बाद जो तिल्ली था उसको मैंने दरदरा कूट लिया है, और उसके बाद खिसा हुआ नारियल 2 स्पून डाल के मैं इनको हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब बैटर बन के रेडी है। आप देख सकते हैं ये बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गीला है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैंने केले को सिर्फ 2 विजल आते तक पकाया, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करने से बैटर गीला हो जाएगा और वड़े शेप में नहीं आएंगे, मतलब परफेक्ट शेप में नहीं आएंगे। अब मैंने वड़े बना लिए और उसको सूखा नारियल के पाउडर में मैं कोट कर रही हूँ। सूखा नारियल में लपेटने से वड़े टेस्टी भी लगेंगे और ऊपर से क्रिस्पी भी लगेंगे। कुछ वड़ों को मैंने सादा रखा है, कुछ को मैंने नारियल में अच्छे से कोट कर लिया और कुछ को मैं तिल्ली में कर रही हूँ। तिल्ली में करने से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी लगता है और लुकवाइज भी बहुत अच्छा दिखता है। अभी हमारे सारे वड़े बन के रेडी हैं। मैंने तेल भी गर्म कर लिया है। अब मैं वड़ों को इसमें फ्राई कर रही हूँ। ये वड़े स्पेशल बना रही हूँ इसलिए उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जो हम लोग व्रत या उपवास में खा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही एज अ ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स बना रहे हो तो इसमें आप बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बारीक कटा प्याज, आमचूर पाउडर, जो स्पाइस आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। बड़े अच्छे से मैं ऊपर नीचे पलटते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। हमें ना ही एकदम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ना ही लो फ्लेम पे। मैं इनको अच्छे से पलटते हुए फ्राई कर ली हूँ। फ्राई करके अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के सेम इसी तरीके से मैं बाकी के वड़े भी तल लूँगी। ये वड़े बहुत ही टेस्टी है, साथ ही बहुत ही हेल्दी है। ये कच्चे केले से बने हैं और केले आयरन रिच फूड होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर भी होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। अब मैं इसी तरीके से बाकी वड़े तल के निकाल ली हूँ और इसे मैं सर्व कर रही हूँ दही के साथ। अगर आप ऐसे ही ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हो तो आप इसे टमाटो सॉस या फल्ली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। व्रत के लिए है इसलिए मैं इसमें दही के साथ सर्व कर रही हूँ। ऊपर से डाली थोड़ा सा धनिया पत्ती, कूटी काली मिर्च, सेंधा नमक। बस हमारे टेस्टी वड़े बन के रेडी हैं। आप इसे बनाइए और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।